आमंत्रित करता हूं आदरणीय उमेश प्रताप सर। धन्यवाद राकेश, आवाज मेरी आ रही है सबको? जी सर, बहुत स्पष्ट आ रही है। सबसे पहले तो मैं पीपीएन कॉलेज की ओर से डॉक्टर टीबी सिंह और संज्ञार्थम की ओर से डॉक्टर राकेश कुमार सिंह आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने यह मंच मुझे प्रदान किया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है कि आपके प्रयासों से 3000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए। और पहले दिन मैं देख रहा था इनॉग्रल सेशन, जिसमें कि लगभग 400 लोग इनॉग्रल सेशन में जुड़े हुए थे, अभी भी मैं देख रहा हूँ लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सफल वेबिनार के आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये कार्यक्रम कल जब अपने अंत तक पहुंचे तो एक नई ऊंचाई छुए। मेरे इस सेशन के जो इसके पहले के वक्ता हैं आदरणीय प्रोफेसर अरविंद चौहान जी और आदरणीय श्री अमित सिंघल जी, अमित सिंघल जी को मैं इसके पहले भी मैंने वेबिनार कराया था, सुना था, और पिछले कई वर्षों से आपकी फेसबुक पोस्ट का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। लगातार कई सालों से तमाम विषयों पर सिंघल से लिखते रहते हैं, और जो भी सरकार की नीतियां हैं, वो आर्थिक नीतियां हों या अन्य नीतियां हों, इतने आसानी से सहज ढंग से वो अपनी बातों को रखते हैं जो कि एक आमजन के भी समझ में आ जाए। आज ठीक उसी तरह से आपने अपनी बात रखी है। मैं आपके पूरे व्याख्यान को सुनकर बड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था, और इतने सरल शब्दों में आपने इस पूरे कोविड संकट से उत्पन्न और उससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर आपने जिस तरह से अपने विचार रखे हैं, आपने उसके समाधानों की तरफ भी इशारा किया है, सरकार के सार्थक प्रयासों की तरफ भी इशारा किया है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये अपने आप में थोड़ा मुश्किल है कि आप जैसे वक्ताओं के बाद किसी विषय पर बोलना। खैर, मैं जैसा कि हमसे राकेश ने कहा था कि जो सरकार का पैकेज है, जो सरकार ने कोविड संकट के बाद जो तमाम पॉलिसीज, तमाम प्रोग्राम्स, तमाम पैकेजेस घोषित किए, उस पैकेज का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, उस पर मैं फोकस करके अपनी बात को रखूं। मैं कोशिश करूंगा कि कोविड 19 के संकट का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर है, समाज पर पड़ने वाले असर को तो हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत सारे समाजशास्त्रियों को मैंने सुना, और आगे भी अभी कई समाजशास्त्री बोलने वाले हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि नीतियों के, सरकारी नीतियों के और कोविड के जो सामाजिक प्रभाव हैं उन पर थोड़ा कम फोकस करूं और आर्थिक प्रभावों पर ज्यादा फोकस करें। मैंने इन सारी जो अपनी बातें मुझे कहनी है उसके संदर्भ में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने, लेकिन मैं इसके इतर अपनी बातों को भी रखना चाहूंगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं सिर्फ इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे कि इसकी मूल बातें आपके दिमाग में रहें, और चूंकि पावर पॉइंट के आधार पर बात करने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं पावर पॉइंट की बातों को संक्षेप में कहते हुए मूल विषय जिस पर कि मैं फोकस करना चाह रहा हूं, सरकार के नीतियों के संदर्भ में, सरकार के इकोनॉमिक पैकेजेस के संदर्भ में और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभावों के संदर्भ में, और भविष्य में जो यह संकट है उसको किस ढंग से सरकार या सभी लोग टैकल कर सकते हैं, किस तरह से उसका समाधान निकाल सकते हैं, एक बेहतर समाधान जो कि ज्यादा
प्रभावी हो, जो कि ज्यादा सस्टेनेबल हो, तो हम उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे अपने व्याख्यान के अंत में। जैसा कि अमित सिंघल सर ने भी कहा कि ये अपने आप में बड़ी भयावह स्थिति है, जिस ढंग से कोरोना वायरस फैल रहा है, संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, और चीन, अमेरिका, तमाम देशों में जहां की लग रहा था कि चीजें काफी कंट्रोल में आ चुकी हैं, वहां भी अब इसका दोबारा से कहीं कहीं पे असर देखा जा रहा है, और ये भी एक चिंता की बात। अभी अगर हम देखें तो लगभग जो आज का आंकड़ा मैं देख रहा था, 11.2 मिलियन से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं, और इसमें से लगभग 5.3 लाख लोग काल के गाल में समा चुके हैं, मर चुके हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये लगभग 4-5% जो है ये डेली बढ़ रहे हैं केसेस, और ये अब कुछ दिनों में ही 1 लाख संख्या पार कर जा रही है। आज ही मैंने देखा कि लगभग 25,000, 24 घंटे में अभी समाचार आता है कि 24 घंटे में 25,000 नए केसेस सामने आए हैं, तो इस तरह से संख्या लगभग 7 लाख के आसपास बढ़ करके हो गई है, और लगभग 20,000 लोग भारत में भी कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि ये संकट ये सिर्फ स्वास्थ्य समस्या नहीं है, ये सिर्फ जो है ऐसी बीमारी नहीं है जो कि सिर्फ लोगों की जान को संकट में डाल रही है, जान पर आक्रमण कर रही है, बल्कि यह जैसा कि अभी अमित सिंघल जी ने भी उल्लेख किया कि जान और दहान दोनों संकट में है, और जो आगे आने वाला आर्थिक संकट है, जो वर्तमान आर्थिक संकट है, वो इसी स्वास्थ्य समस्या की देन है, इसी कोरोना वायरस की देन। तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देश, जो G7 कंट्रीज हैं, जो कि विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अगर हम देखें तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। विशेषकर अल्पविकसित देशों के लोगों के लिए कि उन देशों में जहां की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, उन देशों में जहां की लोग पर्याप्त शिक्षित हैं, उन देशों में कोरोना वायरस का आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हुए, और लॉकडाउन के बावजूद लोगों के जो मरने की दर रही वह भयावह रही, वो अमेरिका हो चाहे आपके पश्चिमी पूर्वी यूरोपीय देश रहे हो, जो कि विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर है, और वे देश जो कि पूरे विश्व के जीडीपी का, आप देखिए G7 जो कंट्री है और इसमें चाइना को लेकर के 60% पूरे वर्ल्ड जीडीपी का 60% इन देशों से आता है, और 65% ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ये 7 देश कंट्रीब्यूट करते हैं चाइना को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन देशों में जो कि सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हुए, अगर सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन, ये बार बार ये शब्द आ रहा है, और हम जब पैकेज की बात करेंगे तो हमने देखा कि जब पैकेज की घोषणा हो रही थी, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी बड़ा साफ शब्दों में 2-3 चीजों पर फोकस किया, और उसमें सप्लाई चेन एक प्रमुख है, पूर्ति श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पिछले 1.5-2 दशकों का कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर उभर करके सामने आया है, और उस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का चाइना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चीन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि चीन से जो कोरोना वायरस फैला वो पूरे विकसित देशों को और बुरे ढंग से प्रभावित किया, पूरी जो ग्लोबल सप्लाई है वो प्रभावित हुई, और इसने न सिर्फ विकसित देशों में बल्कि तमाम दूसरे देश जो कि प्रकारांतर से किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन देशों पर निर्भर हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाला, और सारे ज्यादातर देश जो है वो रिसेशन के शिकार हुए, मंदी के शिकार। हम देख रहे हैं कि मार्च से हम लोग देख रहे हैं कि जो तमाम एजेंसीज हैं, वो IMF हो, चाहे नोमरा हो, चाहे S&P हो, वो तमाम, अगर भारतीय हम एजेंसीज की बात करें तो ICRA हो या SBI हो,
कि तमाम एजेंसी का जो मार्च में जो जो एस्टिमेशन था, जो अप्रैल में एस्टिमेशन था, जो मई में एस्टिमेशन था, और फिर जो जून में एस्टिमेशन था, वो लगातार अर्थव्यवस्था की बदतर हुई होती स्थिति को बता रहा है। पहले जो कह रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1% के हिसाब से ग्रो करेगी, वो अब बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाद में बताया कि 3% जो है श्रिंक करेगी, और फिर बताया कि 5% श्रिंक करेगी। और अब लगभग जो है वो सारे अनुमान ये बता रहे हैं कि अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में संकुचन निश्चित है। ज्यादातर जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, इन सारी इकोनॉमीज जो है श्रिंक करेंगी, मतलब रिसेशन होगा, नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगी, और वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो लगभग -5% के हिसाब से गिरेगी, और यही स्थिति कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था की भी होगी। ये जो IMF ने अभी ये रिसेशन की बात की थी जून में, वो -4.5, लेकिन इसके पहले आप देखिए तो अप्रैल में -3%, जनवरी में 3.3%, और इस दौरान जो पूरा लॉस है, जो जो उत्पादन का लॉस है, आप देखिए ये लगभग $12 trillion, more than $12 trillion का ये नुकसान दिखा रहा है कि 2020 और 2021 के दौरान कितना उत्पादन का नुकसान होगा इस लॉकडाउन के कारण, क्योंकि वर्तमान जो हमारा पूरा आर्थिक तंत्र है वो लॉकडाउन के लिए नहीं बना, वो भोग और उत्पादन के लिए सिर्फ बना है, इस पर हम बाद में आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इस लॉकडाउन के कारण, बाद में कुछ पार्शियल लॉकडाउन रहा, अनलॉक टू चल रहा है, लेकिन ये तमाम स्टेट्स भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये तमाम स्टेट्स जिनका की GDP में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, वो मुंबई, वो महाराष्ट्र हो या साउथ के कुछ स्टेट्स हो, इन सारे राज्यों में अभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी तरह से मतलब 100% जो है वो नहीं खुल पाई है। और दूसरा जो अर्थव्यवस्था के गिरने का कारण है कि अभी भी भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि अब ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, रोज केसेस जो है वो लगातार इनके जो बढ़ने की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए अब IMF ने अभी जो इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अभी जारी किया पिछले हफ्ते, उसमें इसने कहा कि यह 1930 की महामंदी के बाद सबसे खराब आर्थिक मंदी है और इससे सारे देश प्रभावित होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि भारत के संदर्भ में भी ये घोषणा हुई, भारत के संदर्भ में भी ये कहा गया, जो IMF 1961 से आंकड़े जारी कर रहा है कि 1961 के बाद से अब तक की भारत की आर्थिक समृद्धि की दर सबसे खराब रही, सबसे कम रही, -5%। और ये विभिन्न जो एजेंसियां हैं, जो एजेंसीज हैं, उनका क्या अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये स्लाइड दिखा रही है। और यही नहीं, ग्लोबल पॉवर्टी आप देखिए जो कि 2014 से लगातार गिर रही है 2019 तक, अब ये ग्लोबल पॉवर्टी 2020 में ये आप देख रहे हैं कि जो लगभग 8.1 या 2% थी, बढ़कर के 8.6% हो गई, और ये 2021 में जिसको कि कम होकर के लगभग 7.6% हो जाने की संभावना थी, अब ये 8.2% के आसपास ही रहेगी। इसमें एशियन इकोनॉमीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, इसमें भारत में क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा अगर हम एब्सोल्यूट अमाउंट देखें तो सबसे ज्यादा गरीब है, जाहिर सी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ा है। और जो सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं, विशेष रूप से जो सर्विसेज हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होती उस दौरान, अब तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्था में ज्यादातर राज्यों में अर्थव्यवस्था खुल चुकी है, इसलिए ढेर सारे सेक्टर्स में काम हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए अभी भी एविएशन इंडस्ट्री लगभग ठप है, टूरिज्म इंडस्ट्री ठप है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ठप है, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स का लॉकडाउन खत्म होने के बाद जरूर इधर डिमांड बढ़ी है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी जो डिमांड है वो आप ये कह सकते हैं कि अप्रैल और मई से स्थिति बेहतर है, लेकिन अभी भी अगर हम पहले से कंपेयर करें तो ये आपको निगेटिव ग्रोथ रेट दिखाएगी। और वही स्थिति तमाम दूसरे क्षेत्र में, जाहिर सी बात है कि संकट जितना हम समझ पा रहे हैं उससे कहीं बड़ा है। दो समस्याएं जो कि कोरोना संकट के कारण पैदा हुई,
एक तरफ लाइफ है, दूसरी तरफ लाइवलीहुड है, जैसा कि जान और जहान की बात मोदी जी करते हैं। तो अगर हम जान बचाने के लिए लॉकडाउन का सहारा लेते हैं, अर्थव्यवस्था को बंद करते हैं, तो फिर लाइवलीहुड जो है वो खतरे में पड़ जाता है। और एक महीना दो महीना तो ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था का अगर ये अर्थव्यवस्था की बंदी बहुत ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा तबका हमारा ऐसा है जो कि भुखमरी की स्थिति में जा सकता है। मैं सरकार की उन नीतियों को सबसे बेहतर मानता हूं जो कि समाज के सबसे निचले तबके को पहले चिन्हित करती है, जो कि समाज के निचले तबके को सबसे पहले टारगेट करके उनको सहायता पहुंचाती है। अभी मैं उस पे आऊंगा उन नीतियों पर जो कि ये आलोचना करी जा रही है कि मांग को बढ़ाने के लिए उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं। मैं इस बात के बिल्कुल विरोधी हूं कि फिलहाल मांग बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए, क्यों, इस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन जब तक कोई एक बड़ी सुनियोजित ढंग से अर्थव्यवस्था को इस कोविड संकट से बचाने का प्रयास नहीं किया जाता है, तब तक कहीं ना कहीं सरकारों को इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही पड़े, क्योंकि ये लाइफ और लाइवलीहुड दोनों का संकट, और एक तरफ बढ़ने में दूसरा प्रभावित होता है। अर्थव्यवस्था को खोलते हैं तो कोविड केसेस बढ़ते हैं, कोविड को बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को बंद करते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला ही संपर्क का है, ये मामला ही मेल जोल का है, ये मामला ही, और अर्थव्यवस्था बिना संपर्क के नहीं चल सकती। अगर संपर्क बाधित करते हैं तो सप्लाई चेन टूट जाएगी, और जब आप सप्लाई चेन को बेहतर करते हैं तो कोरोना का संक्रमण बढ़ता है। इसलिए बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्थिति, इसलिए सरकार के सामने भी एक दुविधा है, तमाम सरकारों के सामने एक दुविधा है। उस दुविधा की स्थिति से निकलने के लिए इसीलिए आलोचना करना बड़ा आसान है, लेकिन इस विषम स्थिति में जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित है, ये कोई ऐसा नहीं कि पहले के सरकारों को कोई अनुभव रहा है या किसी दूसरे सरकार के अनुभव से सरकार जो इस समय सहायता ले सकती, नहीं, पहले भी जैसा कि निगम सर भी बात कर रहे थे कि 1920 में भी था, उसके पहले भी कुछ वक्ताओं ने बात किया, लेकिन उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन और आज की इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल अलग, उस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति और आज की अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल अलग है। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा कि ये जो लॉकडाउन स्ट्रेटजी है उसको किस तरह से मैनेज करे सरकार की, आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे और फिर भी लोगों में संक्रमण, हालांकि दोनों विरोधाभासी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस करना ही होगा। तो अब महत्वपूर्ण ये है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी कैसे, एक तरफ ये केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि नहीं, अब अर्थव्यवस्था खुल गई है तो अब रिकवरी जल्दी होगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जब चालू हो गई है और धीरे धीरे जब सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में रिकवरी होगी। लेकिन वास्तव में रिकवरी कैसी होगी, वी शेप में होगी, यू शेप में होगी या डब्ल्यू शेप में होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारें और लोग दोनों किस तरह से इस कोरोना संकट से निपटते हैं, गवर्नमेंट की एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, क्या वह प्लान है पूरी तरह से, क्या वह सुनियोजित है, और अगर ऐसा नहीं है तो अभी किसी प्रकार की भविष्यवाणी करना कि इकोनॉमी किस तरह से आगे सर्वाइव करेगी, किस तरह के शेप में रिकवर करेगी, ये अभी थोड़ा मुश्किल, जब तक की स्थिति एकदम क्लियर न हो जाए कि कब तक जाकर के हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये पूरे हम देख रहे हैं कि हर एक देश ने इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए कुछ इस तरह के पैकेजेस ले आए हैं, कुछ इस तरह के नीतियां घोषित की हैं मैक्रो लेवल पे, जिससे कि इन सारी चीजों को जो कि ये सारी आर्थिक गतिविधियां, ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो कि लॉकडाउन से प्रभावित हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके और उनको बेहतर किया जा सके। लेकिन दूसरा संकट जो ये है वो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के सामने, वह है कि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाती हैं तो रिसोर्स जनरेशन भी कम हो जाता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सरकार के संसाधनों का एक बहुत बड़ा पार्ट है, सरकार के रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है टैक्सेशन, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई, जब लोगों की कमाई कम हो गई तो इनकम टैक्स कम हो जाएंगे, कंपनियों की कमाई कम हो गई तो कंपनी टैक्सेस कम हो जाएंगे, जब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब सर्कुलेशन कम हो जाएगा वस्तुओं का, सेवाओं का,
तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो कम हो जाएंगे। तो एक तरफ फिजिकल मेजर्स की जरूरत है, एक तरफ सरकार को अपने समाज के निचले तबके जो जो बॉटम 30% to 50% पॉपुलेशन है उनके भोजन की और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको एड्रेस करना है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की मांग को एड्रेस करना है, तीसरी तरफ सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए अर्थव्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करना है, और सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट जो है वो है रिसोर्सेस का। और अगर सरकार फिजिकल डिसिप्लिन का पालन करती है, अगर सरकार इस बात पर ध्यान रखती है कि हमें फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो आगे जा करके ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगा, कीमतों को बढ़ाएगा, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि बढ़ती हुई कीमतें एक प्रकार का छुपा हुआ कर है जो कि अंततः सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों पर ही डालते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि सरकार फिजिकल डिफिसिट का भी ध्यान रखे, फिजिकल डिसिप्लिन का भी ध्यान रखे। 3% लेवल बनाए रखने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन अब सरकार उसको थोड़ा सा उसमें अपने इन टारगेट्स में थोड़ा सा ढील दिया है कि भाई 4% तक भी हो जाएगा तो नहीं तो चल जाएगा, लेकिन तमाम अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि उन्हें 5% या 6% भी हो जाए तो इसमें डरना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि सरकार जो है उसको खर्च कहाँ करती है और कैसे करती है। पैकेज प्रोग्राम जो सरकार ने लिया उसे बहुत, क्योंकि पहले ही मई में घोषित किया गया था इसलिए काफी चर्चाएं हैं, लगभग 21 लाख करोड़ का पैकेज था, 20 लाख कुछ हजार करोड़। तो इस पैकेज प्रोग्राम में कि जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो बड़े जोर शोर से घोषणा हुई कि 10% रहेगा ये टोटल जीडीपी का, लेकिन अगले 5 दिन में जब हमारे वित्त मंत्री शीतला ये आपके निर्मला सीतारमण जी ने इसको घोषित किया तो ये समझ में आया कि नहीं, ये जो स्टिमुलस पैकेज है दैट इज ए मिक्स ऑफ फिजिकल सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोसेसेस एज वेल एज फंडामेंटल रिफॉर्म्स। तो ये सिर्फ राजकोषीय उपाय ही नहीं थे बल्कि इसमें बहुत सारे जो आरबीआई द्वारा पहले के जो कुछ मॉनेटरी ईजिंग के जो उपाय घोषित किए गए थे, लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था में बढ़ाने के लिए या पूंजी को सस्ता करने के लिए जो उपाय किए गए थे, ब्याज दरों को कम करने के लिए जो उपाय किए गए थे, वो सारी चीजें इसमें सब। और साथ ही साथ सर जो 5 दिन वित्त मंत्री ने घोषणा की उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि तमाम जो रुके हुए रिफॉर्म्स हैं उन पर फोकस किया गया। और मैं समझता हूं कि ये समय की जरूरत है, क्योंकि आप दोनों तरफ नहीं चल सकते। आप एक तरफ जो है वो पब्लिक सेक्टर को ज्यादा मजबूत बनाने की बात करते हैं, राज्य समाजवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है इकोनॉमी को खोलने की बात करते हैं, तो दोनों नहीं चल सकता। इस पर थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इकोनॉमी को आपने लिबरलाइज किया है, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को छूट दी है, तो ये बहुत आवश्यक है कि उसके लिए जो दूसरी कंडीशंस चाहिए उसको भी आप फुलफिल करें, वो लेबर रिफॉर्म्स हो या लैंड रिफॉर्म्स हो या अन्य जो दूसरे रिफॉर्म्स हो। जैसे रिफॉर्म्स को लेकर के हमारे बुद्धिजीवियों में अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी गलतफहमियां क्रिएट करने की आदत, इसलिए उस वो सारे बड़े बहुत बड़े मुद्दे हैं। संभवतः हो सकता है कि किसी लेक्चर में आयोजनकर्ताओं ने कुछ उस तरह के लेक्चर्स रखे हों, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जरूरी है कि इन सारी चीजों को सही ढंग से भारतीय परिप्रेक्ष्य में एड्रेस किया जाए, और उसको भी एड्रेस करने का कार्य इस पैकेज में किया गया। रूरल इकोनॉमी को लेकर के जो तमाम अवरोध थे, रूरल इकोनॉमी को लेकर के पिछले कई दशकों से जो चली आई नीतियां थी उनमें बदलाव की आवश्यकता पिछले कई दशकों से अर्थशास्त्री महसूस कर रहे हैं। रूरल सेक्टर से रिलेटेड जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं, जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं, जो उससे रिलेटेड जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज रही वो बड़ी एडहॉक किस्म की पॉलिसीज रही। उन वो कुछ ऐसी पॉलिसीज चाहिए थी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से उनका बेहतर एक कोऑर्डिनेशन हो सके, जो कि फार्मर की आ रही है तो किसानों की आय को दुगुनी करने में उनका भी एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन हो सके, दुगुनी ही क्यों, तिगुनी और चारगुनी हो।
जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, उन उद्योगों को बेहतर किया जाए। उन उद्योगों के लिए वो कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं, कौन कौन से मॉनिटरी, किस प्रकार के मॉनिटरीजिंग की जरूरत है, किस प्रकार से उनको उनकी मार्केटिंग की लिए जरूरत है, इन सारी चीजों पर फोकस करके इन इंडस्ट्रीज को मजबूत किया जाए, इनको रूरल एरियाज में ये इस्टेब्लिश हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्योग ज्यादा से ज्यादा खोले जा सके, ये तमाम जो बातें हैं ये सब उस स्टिमुलस पैकेज में सम्मिलित है। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हुए, जो कि किसानों पर पहले तमाम तरह के, उनको अपने ही उत्पाद को बेचने के लिए तमाम तरह के बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था, अगर आप ध्यान दें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है। संकट था पहले, अब जो सरकार ने जो उपाय किए हैं, मैं समझता हूं कि बड़े महत्वपूर्ण उपाय हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर सही ढंग से वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत आप आमूलचूल परिवर्तन देख सकते हैं, किसानों के अप्रोच में एक आमूलचूल परिवर्तन देख सकते हैं, किसानों की आय में हुई वृद्धि के संदर्भ में आप एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देख सकते हैं। तो वो सारे जो 5 दिन में वित्त मंत्री ने जो उपाय घोषित किए थे, वे सारे उपाय सिर्फ तात्कालिक कोविड संकट को एड्रेस करने के लिए नहीं थे, वो आगे अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से मजबूती आए उसको देखते हुए वो सारे उपाय ले आए गए। खैर, जो आलोचना हुई तो उस पर भी हम आएंगे। तो आलोचना ये हुई कि भाई ये जो 10% 10% तो बहुत हल्ला मचाया सरकार ने, लेकिन ये 1% से ज्यादा नहीं था। तो वो तमाम जो आप देख रहे हैं कि जो तमाम एजेंसीज हैं, उन्होंने सबने जो है वो 0.75% से लेके 1.3% से ज्यादा इन्होंने फिस्कल पैकेज नहीं कहा। कुछ लोगों का कहना है कि जब हम स्टिमुलस पैकेज की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ फिस्कल मेजर्स ही आते हैं, सरकार जो है जो जाहिर सी बात है कि इसमें ज्यादातर लोग अर्थशास्त्र के नहीं होंगे, तो मैं 2 मिनट में एक बात बता दूं कि सरकार के 2 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, एक जो वो मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी में के 3 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट टैक्सेशन और गवर्नमेंट डेट। तो सरकार अपने विभिन्न मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, वो उत्पादन बढ़ाना हो, आर्थिक समृद्धि तेज करना हो, रोजगार बढ़ाना हो, अर्थव्यवस्था में रिसेशन को दूर करना हो, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना हो, आय व धन की विषमता को दूर करने के लिए, सरकार अपने सार्वजनिक व्यय की नीतियों के माध्यम से, अपने कर की नीतियों के माध्यम से और अपने ऋण की नीतियों के माध्यम से अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का उपाय करती है। ये तो अगर सरकार अपने कर उपायों और व्यय के उपायों से अगर कोई कार्य करती है तो ये उसके फिजिकल मेजर्स। लेकिन यही काम जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, जब वो देखता है कि नहीं भाई कीमतें बढ़ रही हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी को लिक्विडिटी कम करने के लिए वो ब्याज दरें बढ़ा देता है या जो दूसरे जो उपाय हैं, मॉनेटरी मेजर्स हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR या SLR भारत के संदर्भ में तमाम जो दूसरे उपाय हैं, इन उपायों का सहारा लेता है। और वर्तमान समय में चूंकि संकट है अर्थव्यवस्था में, रिसेशन का, मांग की कमी है, निवेश नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने फरवरी से लेकर के अब तक जो है वो तमाम घोषणाएं रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने की है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, एक बेहतर इन्वायरमेंट बने और निवेशक ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, सप्लाई चेन पहले बेहतर हो, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए RBI ने वो तमाम कदम उठाए। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सरकार जो है सब कुछ बांटे मुफ्त में, जैसा कि निगम सर कह रहे थे कि एक बड़ा ये भारतीय जनमानस में ये बैठाया गया है पिछले कुछ दशकों में कि सरकार का काम है मुफ्त में बांटना,
लेकिन मुफ्त में बांटने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये कहा गया कि नहीं, ये तो जो मुफ्त में बांटना था वो 10% बांटना था जीडीपी का, और सरकार ने तो 1% ही बांटा, इसलिए ये जो है सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना। अभी मैं उस मुद्दे पर आऊंगा। एक बड़ा फेमस वाकया, चूंकि 1930 के ग्रेट डिप्रेशन का है, कि जब सारे उपाय पिछले चुक गए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है फेल हो गई, तो जॉन मेनार्ड किन्स ने, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई मांग की कमी है और यह पूरी मंदी जो है वो लैक ऑफ डिमांड के कारण है, मांग की कमी के कारण है, इसलिए मांग को दूर करने के लिए सरकार को व्यय करना चाहिए बिना लोगों से कुछ लिए, क्योंकि लेंगे तो फिर उनके पास पैसा कम हो जाएगा, तो व्यय कहां से करेंगे? तो आप जो है नए नोट छापिए, जिसको हेलीकॉप्टर मनी कहा गया आजकल की भाषा में लोग कह रहे हैं, और या सरकार जो है दूसरे देशों से ऋण लेकर के जो है वो व्यय करे, लेकिन व्यय करे तो गड्ढा खुदवाए, गड्ढा पिटवाए, पटवाए, या फिर नदी में पत्थर फिंकवाए। महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को पैसा मिले और मांग होगी तो उत्पादन अपने आप बढ़ने लगेगा। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि आज वह स्थिति नहीं है, जो बार बार ये हो रहा है कि मांग की कमी के कारण ऐसा है, इसलिए किन्सियन, मुझे नहीं लगता है कि किन्सियन में ये जो किन्सियन मेथड है वो इस समय अप्लाई करना चाहिए। क्यों, इस पर हम लोग आगे आएंगे। तो ये जो स्टिमुलस पैकेज है, ये कहा गया कि बड़ा छोटा पैकेज है, लेकिन अगर आप तुलना की गई दूसरे बड़े देशों से, बड़े देशों में क्योंकि जो बड़ी इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनका संकट थोड़ा सा दूसरे किस्म का, और जो तमाम जो उपाय किए गए उन इकोनॉमीज में भी, उनमें भी फोकस इसी बात पर किया गया कि जो गरीब हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचाई जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा उनको भोजन पहुंचाया जा सके, जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो सोशल सेफ्टी नेट है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसी पर ज्यादा फोकस किया गया। और सरकार के जो दूसरे उपाय हैं, हाँ कुछ जैसे ब्रिटेन में या अमेरिका में कुछ कंपनियों को भी उन्होंने सहायता दी कि भाई ठीक है आप अपने कर्मचारियों को हटाइए मत, 20% हम दे रहे हैं उनके सैलरी का, भारत में संभव नहीं है, लेकिन वो भी जो है वो बिल्कुल सब मुफ्त मुफ्त वाला नहीं है। यहाँ सब ये बताया जाता है कि सब मुफ्त है, नहीं, वहां भी सब सारी चीजें मुफ्त नहीं है। मुफ्त वही है जो कि भारत में मुफ्त है, जो कि तमाम देशों में मुफ्त है, और वो है गरीबों के लिए भोजन और गरीबों को जो अन्य सहायता पहुंचाई जानी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात है कि उस समय भी सरकार ने कहा था, और अभी जैसा कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया कि नवंबर तक जो है वो मुफ्त में भोजन दिया जाएगा, और उसमें 90,000 करोड़ रुपया और लगा, कि सरकार पहले भी जानती थी कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह क्राइसिस कहां तक जाएगी, इस क्राइसिस का अंतिम स्वरूप क्या होगा, ये सरकार हमेशा से एक जगह अपने लिए बचा के रखना चाहती है कि जरूरत पड़े तो और व्यय किया जा सके। और मैं समझता हूं कि ये सरकार की बहुत बेहतर स्ट्रेटजी थी। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात कर चुके, और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले IMF के चीफ ने कहा था कि अभी और इस पैकेज के अलावा भारत को कुछ मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट की और जरूरत। और इस समय अगर आप देखें तो ज्यादातर फोकस जो ज्यादातर देशों का है मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट पर ही ज्यादा है, फिजिकल सपोर्ट पर कम है, उसके अपने कारण। अब ये जो है जैसा कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि डिमांड रिवाइवल के लिए जरूर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों का संकट हमारे यहाँ है। लेकिन सबसे पहले मेरा मानना है कि सरकार जो कार्य कर रही है कि सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए भारत में, विशेषकर रूरल सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मजबूत करने के लिए सरकार ने जो प्रोविजन किए हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इस समय जबकि पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है, चीन से हमारी हाल के कुछ दिनों में और तनातनी बढ़ी है, तो वह चेन भी इस समय, चीन जो है ग्लोबल सप्लाई चेन की सबसे एक अहम कड़ी है, इसलिए उसे देखते हुए यदि हम मांग बढ़ाने के उपाय सरकार तुरंत कर दे तो बिल्कुल इस बात का खतरा है कि कीमतें तेजी से बढ़ने लगें। इसलिए सरकार का यह उपाय
कि हम पहले सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे, पहले उत्पादन पर ध्यान देंगे, पहले उद्यमियों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वे ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, सप्लाई चेन को बेहतर करेंगे, फिर हम डिमांड पर आएंगे, ये एक बेहतर रणनीति। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह ये कि सरकार के पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार का एक तो जो है टैक्स इनकम कम हुई है, और सरकार ने इसीलिए सरकार ने अपने कर्मचारियों को डीए में कमी की, अपने एमपी के जो उनके सांसद थे उन सांसद के सैलरीज में, उनके जो दूसरे अलाउंसेज हैं उनमें सरकार ने कमी की है, सरकार ने आगे भी जो उसकी लागतें हैं तमाम विभागों की उसको कम करने के लिए सरकार ने उपाय किए हैं और आगे भी सरकार उपाय करेगी। अब इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जो उसके बाद जो है हम पॉलिसीज की एनालिसिस करेंगे, और वो है माइग्रेंट लेबरर्स का, जो शहरों से गांवों की ओर जो पलायन हुआ, ये अपने आप में कई लोगों ने इसकी बात की, कल आनंद सर भी बात कर रहे थे, निगम सर का भी एक अपना उसमें व्यू, सुबह उन्होंने अपना उस पर विचार दिया। जाहिर सी बात है कि यह जो अप्रत्याशित स्थिति है, कठिन स्थिति है, उसमें अनेक तरह की घटनाएं, और किसी एक घटना के आधार पर हम चीजों को जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो भी माइग्रेंट वर्कर्स के संदर्भ में चीजें हैं वो निश्चित रूप से अच्छी नहीं रही। लेकिन इतने बड़े देश में, जबकि ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में, उसका सही से अनुमान तो नहीं है, लेकिन सरकार 8 करोड़ कहती है, कुछ उसको 14 करोड़ कहते हैं, वामपंथी उसको 30 करोड़ तक बढ़ा देते हैं, वो तमाम चीजें हैं, उनका आंकड़ा चूंकि बहुत स्पष्ट नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड राज्य सरकार उनके पास नहीं है, लेकिन सरकार की उनके उन माइग्रेंट वर्कर्स के संदर्भ में, उनको भोजन देने के संदर्भ में, उनकी व्यवस्था करने के संदर्भ में, या वन नेशन वन राशन कार्ड नींद लाए जाने के संदर्भ में हम बात करें, वो सारी चीजें उनको सपोर्ट करती। अब ये एक ऐसी समस्या है जो कि हाल फिलहाल की नहीं है, और न तो उसे आप 2 दिन में 2 वर्ष में समाप्त कर सकते हैं। जो माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या है, क्योंकि इस पर थोड़ा मैं कम फोकस कर रहा हूं, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूं, कि सरकार ने तमाम जो भी योजनाएं उनके लिए दी हैं, राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से व्यवस्था की, विशेषकर यूपी सरकार का तो मैं समझता हूं कि माइग्रेंट वर्कर्स के संदर्भ में मुख्यमंत्री के प्रयास बड़े ही सराहनीय रहे, उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर जिस तरह से प्रयास करके उनके लिए बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है। अब ये अलग बात है कि किसी 2-4 सेंटर जहां के हजारों सेंटर हों, वहां 2-4 सेंटर्स की व्यवस्था किसी स्थानीय अधिकारी के निकम्मेपन के कारण या उसकी अक्षमता के कारण अगर खराब हो गई तो वो एक अलग बात है, भ्रष्टाचार के कारण खराब है तो एक अलग बात है, लेकिन सरकारों ने, ज्यादातर राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि स्थितियां बेहतर हों और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अव्यवस्था या आप ये कह सकते हैं कि अप्रत्याशित स्थितियों का उत्पन्न हो जाना अचानक, वो किसी के भड़काने से हुई हो या वर्तमान स्थितियों में लगातार जब एक महीने की लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के बाद ये स्पष्ट न होगी जो है कब दोबारा ये लॉकडाउन हटेगा, तो अधीर हो जाना बड़ा स्वाभाविक है, विशेषकर उन लोगों के पास जिसके कि रहने का और खाने का कोई ठिकाना ना हो, तो वही बहुत अप्रत्याशित नहीं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, वो क्यों निकल आए और एक महीना ये करते है? ऐसी क्या पड़ी थी, लेकिन उन स्थितियों में व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या हो जाती है, उन दिशाओं में थे उनके लिए वो कोई अप्रत्याशित नहीं था, और सरकारों के लिए भी वो स्थिति अप्रत्याशित थी क्योंकि उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की, लेकिन बाद में सरकारों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि हम इन स्थितियों से बेहतर ढंग से निपटें, और इसीलिए सरकार ने, अभी प्रधानमंत्री ने 30 जून को जो घोषणा की उसमें इस योजना को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, और मैं समझता हूं कि इस पूरे पैकेज का सबसे एक बेहतर पार्ट है, जो कि कम से कम मूलभूत जो जरूरतें हैं उसको एड्रेस करता है, एक बड़े तबके की मूलभूत जरूरतों को एड्रेस करता है, और वो सबसे जरूरी है, बाकी सारी चीजें उसके बाद आती है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वो ये कि
सरकारों को विचार करने की आवश्यकता है कि आगे अगर कोई इस तरह की स्थिति आए तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। और ज्यादा बेहतर ये हो, ये आखिर ये माइग्रेशन की नौबत क्यों आती है? ये तो रिवर्स माइग्रेशन है ना, आखिर माइग्रेशन की नौबत इतने लार्ज स्केल पर क्यों आती है कि लोग जो है अपने गांवों से शहरों में क्यों भागते हैं? इसलिए क्योंकि कृषि लाभदायक नहीं रह गई। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वहां जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है टोटल प्रोडक्शन में। तो इसलिए उन लोगों को जब तक हम एलाइड एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ठीक से नहीं लगेंगी, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होगा। इतना असमान विकास हुआ है पिछले 6-6.5 दशकों में कि आप देखेंगे कि राज्यों में भी एक क्षेत्र जो है ज्यादा विकसित है, एक क्षेत्र कम विकसित है। तो इस तरह का असमान विकास अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि माइग्रेशन होगा। उस माइग्रेशन को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करे कि किस तरह से हर एक क्षेत्र का समान विकास हो। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास हुआ है वो कुछ फसलों तक, कुछ क्षेत्रों तक, कुछ एरियाज तक सीमित रह गए। तो जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम इंटर रीजनल, इंटरपर्सनल, ये दोनों तरह के जो इनइक्वालिटीज हैं इनको हम एड्रेस नहीं करेंगे, इन इम्बैलेंसेस को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक माइग्रेशन की समस्या हल होने वाली नहीं। तो इसके लिए एक बहुत सोची समझी और दीर्घकालीन रणनीति की जरूरत है। अल्पकाल में हम इसको एड्रेस नहीं कर सकते। सर, थोड़ा सा उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं 5-7 मिनट और लूंगा, 5-7 मिनट और। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वह ये कि 1950 के बाद से जिस मॉडल पर हम चले हैं वो ले दे करके, जब हम लोग ग्रेजुएशन में जब हम लोग पढ़ते थे और फर्स्ट प्लान से लेकर के 8th प्लान तक जब मूल्यांकन करते थे तो मूल्यांकन का आधार अंत में आकर के यही टिकता था कि ग्रोथ रेट कितनी है। विकास का अगर पैमाना सिर्फ ग्रोथ रेट है तो सरकारों को उसको कुछ समय के लिए पीछे छोड़ देना चाहिए। अगर हम अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं को देख करके हर एक क्षेत्र के बेहतर विकास का खाका नहीं खींचते हैं तो हम इस समस्या को एड्रेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब यह आवश्यक है कि जो नेगलेक्टेड एरियाज हैं उन नेगलेक्टेड एरियाज को फोकस किया जाए। जो हमारा भारत है जो कि गांवों में रहता है, और अभी भी हम देखें तो आवर मोर देन 2/3 पॉपुलेशन आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। 2/3 से ज्यादा जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों, तो एक तरह से कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। अभी भी जो हमारा टोटल वर्कफोर्स है, हालांकि अभी मैं आंकड़ा देख रहा था 6 महीने पहले वो 42% आ गया था, लेकिन फिर बढ़कर के 50% से ऊपर हो गया होगा। तो मोर देन 50% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कार्य कर रही है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? ओनली 16-18%। ये मतलब ये तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अनबैलेंस्ड ग्रोथ है ना, कि हम सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़कर के 50% हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ गया, लेकिन इन्होंने जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट इन्होंने जनरेट नहीं किया। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि अब हमें फोकस कहां करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं बैक टू द बेसिक्स, हमें अपने जड़ों की तरफ लौटना। और हमारी जड़ें कहां है? हमारी जड़ें गांव में है, हमारी जड़ें कृषि में है। और जब तक हम अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तब तक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को और सर्विस सेक्टर को हमें नहीं करेंगे, उनको आप निगलेक्ट करिए नहीं, लेकिन साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और जब तक आप उस
50% आर मोर देन, जो 2/3 पॉपुलेशन जो गांव में रहती है उनका पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं करेंगे तब तक जो है आप आत्मनिर्भरता की बात नहीं कर सकते, तब तक आप एक मजबूत भारत की नींव नहीं रह सकते। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से पहले आज किसी और, सरकार ने अपने पैकेज में उस पर बिल्कुल फोकस किया है। हम थोड़ा सा एक कुछ चीजों को छोड़ दे रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत पर जो है बात हो गई है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसमें एक बात और बड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और वो है कि आखिर जो यह संकट है, इस संकट का मूल कारण जो है, और ये संकट जो है कोई एक तात्कालिक संकट नहीं है। अगर हम इसको तात्कालिक संकट के रूप में देख रहे हैं तो शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह संकट इसी विकास की देन है। ये जो भी इकोलॉजिकल इंबैलेंस है और उसी का एक तरह से कहीं ना कहीं परिणाम है COVID-19। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो COVID-19 है उससे उत्पन्न आर्थिक संकट है, ये वर्तमान आर्थिक संकट का की देन है, ये वर्तमान आर्थिक नीतियों की देन है। हम जिस तरह के जिस तरह की नीतियां हमने आर्थिक समृद्धि के लिए बनाई हैं, वो इस धरती पर उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए कहीं न कहीं प्रकृति के साथ हिंसा कर रहे, जो इस पूरे नेचर की एसिमिलेटिव कैपेसिटी और रीजनरेटिव कैपेसिटी है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं कंजम्पशन कर रहे। हम जिंदा ही इसीलिए हैं कि उपभोग करें, भाई जाहिर सी बात है, और प्रकृति ने रिसोर्सेज दिया भी इसीलिए है कि हम उपभोग करें। लेकिन रिसोर्स मतलब रिसोर्स को प्रकृति से लेने में, उस रिसोर्स का प्रोडक्शन में उपयोग करने में और फिर उस प्रोडक्शन को कंज्यूम करने में, इन तीनों ही प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। हम कहीं ना कहीं जो है इस पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित करते हैं। अब अगर यह प्रदूषण, यह जो पोल्यूशन है, अगर ये अगर इस नेचर के एसिमिलेटिव कैपेसिटी से कम है, और जो हमारा एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये नेचर के रीजनरेटिव कैपेसिटी से कम है, तो जाहिर सी बात है कि कोई संकट नहीं आया। लेकिन यह जो सिर्फ और सिर्फ उपभोग बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था है, जो क्लासिकल अर्थशास्त्र हम जिसको कि एडम स्मिथ जिसको हम जनक मानते हैं, इसका इतना गलत ढंग से पूंजीवादियों ने प्रयोग किया और इस पूरी प्रकृति को, धरती को एक ऐसे कामधेनु गाय के रूप में समझा कि इसको दूहते जाओ कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन वो तो इनको 70s में और बाद में जाके 80s में समझ में आया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लगी। तो ये कहीं ना कहीं वो ओवर एक्सप्लाइटेशन का नतीजा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमें अपने उपभोग पर नियंत्रण करना होगा। फिलहाल की स्थिति में यह ध्यान देते हुए कि बिना लोगों को बेरोजगार किए, बिना अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, हम किस प्रकार से ऐसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को हम सामने ले आए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े और साथ ही साथ प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन प्रोडक्शन को ये जो बढ़ाने की जो ललक है ना कि हम ग्रोथ रेट को बढ़ा करके 10% करेंगे, 15% कर देंगे, 20% करेंगे, पूरी समस्या की जड़ वही है। वो इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो, चाहे COVID-19 हो, चाहे COVID-19 से उत्पन्न संकट हो, जब तक हम उस उपभोग को कम करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें भारतीय चिंतन पर लौटना पड़ेगा। भारतीय चिंतन जो कि यह कहता है कि भाई ये हमारे लिए पैसा बहुत जरूरी है, हमारे लिए संसाधन बहुत जरूरी है, लेकिन एक अच्छे जीवन जीने के, वो अच्छा जीवन क्या है? वो अच्छा जीवन जो है वो वस्तुओं का इकट्ठा करना नहीं है। वह अच्छा जीवन जो है वो सिर्फ भौतिक प्रगति से नहीं आ सकता है,
इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि प्रकृति के साथ ज्यादा उसका दोहन करना भी अपने आप में एक हिंसा है। इसीलिए गांधी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, प्रकृति से उतना ही लेने की बात करते हैं जिससे कि हमारा काम चल जाए। इसलिए हमें कहीं ना कहीं भारतीय चिंतन पर आना चाहिए, त्याग के साथ उपभोग की बात, वसुधैव कुटुंबकम की बात। तो उस कुटुंब का हिस्सा सिर्फ लोग ही नहीं है, उस कुटुंब का हिस्सा पेड़ भी है, उस कुटुंब का हिस्सा हमारी नदियां भी है, उस कुटुंब का हिस्सा हमारा पहाड़ भी है, उस कुटुंब का हिस्सा जानवर भी है, पक्षी भी है। और अगर हम सबका कल्याण सोचेंगे तो सबके लिए कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, तब हम त्याग के साथ उपभोग करें। इसीलिए प्रोफेसर जेके मेहता, जो कि मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ ये बोलने में, क्योंकि मैं उसी विभाग से मैंने ग्रेजुएशन किया, उसी विभाग से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसी विभाग से मैंने बीफिल किया जिस विभाग से प्रोफेसर जेके मेहता बिलोंग करते। प्रोफेसर जेके मेहता ने थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस की, आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचाने की उन्होंने बात की। इसलिए कहीं ना कहीं, और उसी को गांधी जी कहते हैं, उसी को सर्वोदय के रूप में विनोबा भावे कहते हैं, कि गरीब की भौतिक उन्नति और जो पैसे वाला उसका आध्यात्मिक उन्नति, तभी सर्वोदय होगा, सबका उदय होगा। और उसी को एपीजे अब्दुल कलाम साहब पूरा के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को कैसे प्रोवाइड करा जाए और ये माइग्रेशन रोका जाए। मुझे लगता है कि जब तक हम इस चिंतन पर नहीं आएंगे, उपभोग कम करने पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक जो है उन सारी नीतियों को हम अगर पूरी तरह से सिर्फ उपभोग बढ़ाने पर केंद्रित कर देंगे तो कोई भी नीति बनाए उसका दीर्घकालीन समाधान नहीं हो सकता है। एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में थे प्रोफेसर अमर सिंह, और मैं उन्हें किसी संत से कम नहीं मानता हूँ, जो लोग मिले होंगे शायद उसको जानते होंगे, प्रोफेसर अमर सिंह। तो कभी मैंने उनको निराश नहीं देखा, हम लोग अक्सर जो है उनके यहाँ जाया करते थे, अभी 3-4 साल पहले जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो उनसे एक बार मैंने पूछा कि सर आपको क्या ऐसा लगता है कि गांधी को जो है वो लोग कभी फॉलो करेंगे? तो उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराया, बड़े आत्मविश्वास के साथ बोले, ब्रिटेन के किसी उन्होंने विद्वान का नाम लिया, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि वो कहा करते थे कि लोग गांधी को इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि गांधी जो है पोगापंथी थे, गांधी 500 साल पहले की बात करते थे, गांधी जो है वो बारीक बात नहीं करते, कहते थे कि नहीं नहीं वो गांधी जो कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के समय रहे थे, वो गांधी जिन्होंने की औद्योगिक क्रांति का चरम देखा था, कि वो गांधी जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करता है, वो गांधी जो है चरखे की बात करता है, तो इसलिए क्योंकि ये गांधी इसका परिणाम दुष्परिणाम देख रहे हैं। कहेंगे गांधी हमारे समय से 200 साल आगे की देख रहे हैं, सामान्य लोग 10 साल आगे की, 20 साल आगे की, 50 साल आगे की देख रहे हैं, तो 200 साल आगे क्या होगा वो गांधी देख रहे थे। इसलिए कहते हैं, तो उनका जो अंतिम सेंटेंस था उसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, कि झक मार कर ही सही, लठ मार कर ही सही, हमें अंततः उसी रास्ते पर आना पड़ेगा, ये मजबूरी होगी, आज नहीं सही 2050 में सही हम वहीं आएंगे। इसी बात के साथ आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, और जाहिर सी बात है मैंने ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।